मेरा नाम शब्बीर हुसैन है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान से है। तो 28 नवंबर 2010 को मैंने ये लाइटिन ज्वाइन किया है। उस वक्त मेरे अलावा कंपनी का मालिक मोहसिन भाई और शाहिद और मुर्तज़ा अमान थे। हम 5 आदमी का टीम था। आज अल्लाह के फजल से 30-40 आदमी हैं हमारे टीम में। मैं वेयर हाउस इंचार्ज अपॉइंट किया था आदिल भाई ने मुझे। तो उस वक्त हम 4 ही आदमी थे, तो हर काम करते थे, लेबर का काम, इन्वेंट्री का काम, स्टॉक टेकिंग, स्टॉक रखना, डिलीवरीज को मेंटेन करना, सब चीज़ करते थे। तो अभी तक माशाल्लाह हमारे साथ एक वो भी हेल्प करता फाद, दो तजम्मुल और अनवर और मिनाली हेल्प करते हैं। अल्लाह का शुक्र है काम हम बराबर जा रहा है। अभी मेरे को तकरीबन 4 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ पर। अभी अल्लाह के फजल से लाइटिंग वालों ने 3 शोरूम खोले हैं। एक उमान में है मॉडर्न लाइट के नाम से, एक रासुल खीमा में है अलीदा असरिय के नाम से, और सबसे पहला कलबा में है जो हसन चलाता है, वो भी अलीदा असरिय के नाम से है। माशाल्लाह से तीनों शोरूम चल रहे हैं, दो दो तीन तीन आदमी उधर काम करते हैं। हम लोग यहाँ से ऑपरेट करते हैं तीनों शोरूमों को, और उसके अलावा हमारा 5-6 सेलमैन है, नसीम साहब हेडिंग कर रहे हैं, लीडिंग कर रहे हैं, तो उनको भी देखते हैं, उनकी डिलीवरीज भी देखते हैं। तो इसी तरह गुजरते। क्या आमिर बशीर आजकल रास्म खीमा शोरूम का इंचार्ज है। शमसुर रहमान उसको गाइड थोड़ा सा हेल्प कर रहा है। हसन उसको शोरूम चलाता कलबा का। मिज़ान ओमान शोरूम चलाता है, और उसको नौशाद थोड़ा इशरत इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, वो भी उसको हेल्प करता है। तो जो हमसे हो सकता हम लोग करते हैं। समी बाहर से परचेजिंग करता है, मोहसिन भाई का काम समी करता है, अपना काम भी करता है। और क्या करें, दोनों को मिला के एक ही आदमी बनता है, वो जिसका नाम शमसुर रहमान है। उसको आपने उसका नाम बिगाड़ के गुलपति रखा है, उसका नाम शमसुर रहमान है। तो अभी सुबह से हम काम कर रहे थे, जी का कंटेनर आने वाला है, तो तजमुल भाई ने हाथ में मेहंदी लगाया है, मैं और फहद ने काम किया। तो अभी इंशाल्लाह शाम में कंटेनर आएगा, तो उसका उतारना का काम भी आजकल हमारे ऊपर आया है। तो बस ये कहानी है। हाँ, तजमुल भाई जिधर जाता है उधर सो जाता है, उसको फ़ोन करते तो उठ के इधर आ जाता है, अगर फ़ोन नहीं करता तो उधर से घर का रास्ता पकड़ता है। ये इसका काम है, अबू धाबी जाएगा, सारा दिन लगाएगा। और तो क्या बोले।